नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने ही चैनल पराग टेलर पर। दोस्तों आज मैं आपको इस कपड़े से पाइपिंग बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो इस कपड़े से हम इस पर पाइपिंग कैसे बनाएंगे, बिल्कुल बारीक वाली और आसान तरीका बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको पाइपिंग सीखने को मिल जाएगी। अभी देखिए, पाइपिंग कटिंग के लिए सबसे पहले क्या महत्वपूर्ण होता है, कपड़ा। कपड़ा कैसे निकालना चाहिए, वैसे तो आपको मैं बता दूं कि कपड़ा उरेब निकालना चाहिए। जैसे कि ये चौड़ाई है 13 इंच, यहां से भी चौड़ाई हम रखेंगे 13 इंच। चलिए आपको क्लियर बता देता हूं मैं, ये मैंने कटिंग कर लिया चौरस में कपड़ा, ठीक है, ऐसे भी बराबर और ऐसे भी बराबर। अभी इसको हम डायरेक्ट यहां से ऐसे उठा लेंगे, ऐसे तिरछा रख लेंगे, ये रख लिया ना। अभी इसको कटिंग करना है आपको ऐसा, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है, ऐसे रखना है और 1.25 इंच पर एक मार्क लगाना है ऐसे, फिर 1.25 इंच पर एक मार्क लगाना है और फिर 1.25 इंच पर एक मार्क लगाना है, और ये 1.25 इंच के मार्क वाला कपड़ा हमको कटिंग करना है। ये देखिए, ये कटिंग हो गया हमारा। अब इसी प्रकार से इस पट्टी को यहां रखना है और इसको कटिंग कर लेना है ऐसे। अभी देखिए, ये चारों पट्टी मेरी कटिंग हो गई है। ये ऐसे उरेब में रहता है ना, बरोबर रखकर इसको ऐसे पलटा लेना है। और यहां देखिए, 1.5 एम्बर पर सिलाई, यहां पर 1.5 एम्बर पर सिलाई, कैसे लगाते हैं चलिए देखते हैं। आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि पाइपिंग कैसे आराम से बनती है। ये देखिए, ये हो गया, ऐसे रखिए। चलिए यहां पर जॉइंट लगाते हैं। ये देखिए, 2 जॉइंट में हमारी पट्टी बिल्कुल क्लियर आ गई है। ब्लाउज की फिनिशिंग में पाइपिंग का कितना बड़ा रोल है, ये देखना आपको जरूरी है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर रखेंगे ऐसे और इस भाग को रखेंगे यहां पर ऐसे, ठीक है। अभी यहां से लगाएंगे हम 1.5 एम्बर की ऐसी सिलाई, बराबर। देखिए, यहां पर कुछ भी मैंने खींचा नहीं है और कुछ भी मैंने धकाया नहीं है, ठीक है, ऐसे। ये देखिए, यहाँ पर आपका शोल्डर उतर ही नहीं सकता, क्योंकि हमने जब शोल्डर जॉइंट किया था ना, तो बिल्कुल आराम से शोल्डर का जॉइंट किया था। और अगर आपने ब्लाउज का वो वीडियो नहीं देखा है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन, आई बटन और उसका थंबनेल यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए कि ब्लाउज की फिटिंग कैसे करते हैं, ब्लाउज का शोल्डर सही तरीके से कैसे जोड़ते हैं। ये दोनों तीनों चीजें इस वीडियो में बताई गई है, जो मैंने थंबनेल आपको अभी बताया है। अभी देखिए, इसी प्रकार से जो हम 1.5 एम्बर है ना सिलाई लगा रहे हैं, और मैंने कहा है 1.5 एम्बर सिलाई, मतलब यहां से थोड़ा बाहर, उसको बोलते हैं 1.5 एम्बर, यानी 1/2 इंच में 1 पॉइंट कम ऐसे। अभी देखिए, यहां पर ऐसे पलटाएंगे और ऐसे, ठीक है, और हल्का सा ये हाथ को थोड़ा सा खींच लेंगे, ताकि गला जरा भी हमारा बाहर की तरफ नहीं जाएगा। देखिए ऐसे, यही तरीका है पाइपिंग को सही तरीके से लगाने का ऐसे ऐसे। अभी देखिए आप, यहां पर पाइपिंग की एक सिलाई हमने इतनी लगा दी है, पूरी एक जैसी लगाना है आपको सिलाई ऐसे, जितना हमारा कपड़ा है। लेकिन पाइपिंग बनाते वक्त आपको ये बात का ध्यान रखना है, ये जो कपड़ा हम मोड़ते हैं ना, ये वाला, यहीं पर आकर पाइपिंग पूरी बिगड़ जाती है। ये जो कपड़ा ऐसे मोड़ते हैं ना, तब यहाँ पर डबल नहीं होना चाहिए ये अंदर वाला कपड़ा। अगर ये कपड़ा यहाँ पर ऐसे डबल हो जाएगा, तो आपकी पाइपिंग कड़क बनेगी और बिल्कुल भी सुंदर नहीं रहेगी, है ना। तो कभी भी ध्यान रखेंगे, पाइपिंग बनाते वक्त ऐसे कपड़े को यहाँ पर दबाना है, ठीक है, और इतना।
अब सिलाई कहाँ चलाना है हमको, जैसे पाइपिंग हम इतनी दिखाएंगे ना यहाँ पर, तो हमको सिलाई थोड़ा सा सेंटर में चलाना है ताकि ये जो हमारा ये जो कपड़ा रहेगा ना अंदर का, ये दब जाएगा। चलिए देखिए कैसे दबाता हूँ मैं। यहाँ पर रखेंगे ऐसे, इस तरह और ऐसे। अभी देखिए सिलाई लगा दी हमने, देखिए थोड़ा सेंटर के उस तरफ लगाई है। जैसे ही हम इसको मोड़ेंगे ना ऐसे, तो हमारी पाइपिंग ऐसे दिखेगी और ये सिलाई अंदर चल जाएगी। तो फिर हमारा जो कपड़ा रहेगा ना, बिल्कुल दबा भी नहीं है कहीं पर, इतना नरम डल रहा है। देखिए इतना नरम रहना चाहिए कपड़ा हमारा कि हमारे आसानी से गले की पाइपिंग मुड़ जाएगी। अभी इसको कटिंग कर देते हैं ऐसे रखकर यहाँ पर ऐसे। ऐसे अब देखिए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ऐसे और यहाँ पर ऐसे पलटाइए इस प्रकार से। देखिए पाइपिंग बनाने का ये सबसे आसान तरीका है। ऐसे रखते जाएंगे और सिलाई को चलाते जाएंगे। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से पलट रही है ना पाइपिंग, ऐसे ही आपको भी आसान तरीके से पाइपिंग को बना लेना है। ये देखिए ध्यान से ऐसे पलटाते जाएंगे। अभी देखिए पूरी पाइपिंग को हम इसी प्रकार से सिलाई लगा लेंगे। ऐसे पूरी पाइपिंग पर आराम से सिलाई चलाते जाइए, बहुत आराम से बन जाती है हमारी पाइपिंग एकदम सीधी और इस तरह से। ये देखिए अब ये पाइपिंग हमारी बनकर कंप्लीट हो जाएगी और आप देखना कि पाइपिंग कैसे लगती है। और पाइपिंग बनाने का ये बहुत ही आसान तरीका है, इसको आपको सीख लेना है। ये देखिए इसी प्रकार से हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो गई। ऐसे ये देखिए कैसी लग रही है पाइपिंग एकदम गोल शेप में। अगर आपको इसी प्रकार से पाइपिंग बनाना है तो आप ये जो मेथड मैंने बताया है ना, इसको देख लीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन अवश्य दबाना ऑल के ऑप्शन के साथ। तब तक के लिए बाय।